अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको खत करवा रही हूँ अब्बा जान के। चचा जान के नाम खत लिखकर उनसे जापानियों की तर्ज जिंदगी के बारे में इस्तफसार कीजिए। और ये आपकी पहली समाई का पहला खत है, चचा जान के नाम खत लिखकर उनके से जापानियों की तर्ज जिंदगी के बारे में इस्तफसार कीजिए। आपने बेटा सबसे पहले जब भी कोई खत लिखते हैं तो उसको जो खत लिखने से जो है लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसके बारे में आप खत लिख रहे हैं वो जो है उस टॉपिक को सामने रखना है। और उसके बाद आपने जिस जगह से खत लिख रहे हैं, जैसे कमरा इम्तिहान है तो आपने जगह का नाम सबसे पहले दाएं तरफ लिखना है कि आप कमरा इम्तिहान से खत दे रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी जगह का नाम सबसे पहले आपने दाएं तरफ जगह लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आपने ऊपर क्या लिखना है, इम्तिहानी मरकज़। इसकी जगह आप तीन चीज़ें लिख सकती हैं, इम्तिहानी मरकज़, कमरा इम्तिहान, आजमाइशगाह। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इम्तिहानी मरकज़ लिखें, क्योंकि कमरा लिखते वक्त आप कमरा ही से लिख देते हैं और अलीफ से कमरा सही होता है और ही से गलत, तो इसलिए आप ये गलतियां कर जाते हैं। बेहतर यही है कि आप इम्तिहानी मरकज लिखें। इम्तिहानी मरकज लिखने के बाद आपने, यानी जगह का नाम लिखने के बाद आपने कोई कोमा, कोई डैश, कोई फुल स्टॉप नहीं डालना, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद आपने जो है डेट लिखनी है। डेट के बाद आपने जैसे जिस दिन को आप खत लिख रहे हैं, जैसे कि आज जो है वो है 10, यानी कि 10 अप्रैल है, तो आपने 10 के बाद स्लांट लगानी है। स्लांट के बाद आपने अप्रैल लिखना है और 2014 नहीं है, 2021 से आपने 2021 लिखना है। और यानी जिस दिन आप खत लिखेंगे उस दिन की डेट डालेंगे। और उसके बाद आपने प्यारे चचा जान, यानी चचा जान के नाम खत लिख रहे हैं तो आपने प्यारे चचा जान लिखना है। और उसके बाद आपने पंचाइया का निशान लगाना है। और अस्सलाम वालेकुम के तीन तरीके होते हैं, या तो आप प्यारे चचा जान के आगे जब अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने डैश लगाना है, ये फर्क होता है। और उसके प्यारे चचा जान के बिल्कुल नीचे जहाँ पे हैंड आपको नजर आ रहा है तो वहां पे भी लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद एक तीसरा तरीका ये है कि आप ये साइड पे लिखें, दाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम लिखें, उसके बाद दाइया का निशान लगाएं और उसके बिल्कुल नीचे से पैराग्राफ की सूरत में आपने स्टार्ट करना है लेटर। तो आप जब अस्सलाम वालेकुम लिखें, अस्सलाम वालेकुम लिखते वक्त भी बच्चे गलतियां कर जाते हैं कि एक तो लाम नहीं लिखते अस्सलाम वालेकुम, अलिफ के बाद लाम जरूर लिखें, डायरेक्ट सीन लिख देते हैं, सीन लाम नहीं लिखना, लाम जरूर लिखना है, सीन नहीं, और लाम के बाद सीन लिखना है, डायरेक्ट आपने सीन नहीं लिखना। और उसके बाद वो नहीं डालना आपने अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से अगर मीम के ऊपर पेश जरूर पढ़ते हैं लेकिन आपने लिखना नहीं है। और इसके बाद आपने निचली लाइन में पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करना है कि आपके मोहब्बत नामे में ये पढ़कर बेहद मसरत हुई कि आप एक अच्छी कंपनी में माकूल मुशायरे पर, माकूल मुशायरे पर यानी कि अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत हासिल कर चुके हैं। चचा जान ये खत में जाती घर से लिख रहा हूँ, ये तो हम सबको मालूम है कि जापान एक सनती मुल्क है और सैकड़ों जजीरों पर मुश्तमिल है। वहाँ के लोग बड़े मेहनती और हुनरमंद हैं। पाकिस्तान में जापान की बनाई हुई मशीनरी, अद्वियात में अलीफ नहीं आएगा और अलीफ शुरू में आएगा बाद में, वाव के बाद में अद्वियात होता है, अलीफ नहीं आएगा यहाँ पे। और दूसरी आम इस्तेमाल की अशिया बकसरत इस्तेमाल होती हैं, बाकी बड़े मयारी होती हैं। तो आप वापसी डाक तरीर फरमाइए, वहाँ के लोगों का बूदोबाश
क्या है, उनकी माशरती जिंदगी कैसी है, वो किन असूलों पर अमल करके इस कदर अहले सरवत बन गए हैं, अहले सरवत यानी कि मालदार बन गए हैं, अमीर हो गए हैं, किन असूलों पर अमल करते हैं, वहाँ की तालीमी जिंदगी कैसी है, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालिब इलम किन मशागल में, किन मशागल यानी कि उनके रोजमर्रा की मसरूफियात क्या हैं, के मसरूफ रहते हैं, उनका निसाब तालीम क्या है, निसाब तालीम यानी कि उनको जो सिलेबस है वो क्या है, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, मुख्तसर ये कि जापानियों का तर्ज जिंदगी कैसा है, तर्ज जिंदगी होता है कि उनके रहने का तरीका सलीका कैसा है। उम्मीद है कि आपका जवाब मेरे लिए जापानियों के बारे में मजीद मजीद जानने की रामवार करेगा, रामवार करेगा यानी मेरे लिए मजीद आसानियां पैदा करेगा। एंड में आपने बाएं तरफ वस्सलाम लिखना है, वस्सलाम में भी आपने इसी चीज का ख्याल रखना है, कलाम जरूर डालना है, और उसके बाद आपने देखना है कि किसको आप खत लिख रहे हैं, ऊपर आपने जैसे चचा जान को लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने नीचे लिखना है आपका भतीजा हमजा छोटी है बड़ी है, या अपना नाम नान लिखेंगे तो हमजा छोटी है बड़ी है नहीं लिखेंगे, अगर हमजा छोटी है बड़ी है लिखेंगे तो नाम नहीं लिखेंगे, दोनों कई बच्चे चीजें लिख देते हैं, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है, ज्यादा बेहतर होता है कि हमजा छोटी है बड़ी है लिखें, क्योंकि क्यों आगे बोर्ड के पेपर्स में यही ज्यादा हमजा छोटी है बड़ी है लिखते हैं, लेकिन अगर आप नाम लिख देते हैं तो वो भी सही होता है। और इसके बाद जो है आपने बेटा आप जो है इसमें आपको आपको मैं चंद मिला के अल्फाज करवाती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो खत जब लिखें तो वो उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट असाइनमेंट जो होगी वो इसी लेटर की होनी है, आपको मिलनी है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें, अगर कोई मसला हुआ तो फिर भी बता दीजिएगा, अगर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत हुई तो फिर भी आपको रिपीट किया जाएगा। जैसे कि इम्तहानी मरकज़ को अंडरलाइन कर लें, उसके बाद अस्सलामुअलैकुम डेट को भी अंडरलाइन कर लें, क्योंकि डेट को डेट भी आप लोग सही नहीं लिखते, उसमें क्या करते हैं ज़्यादा गलती क्या होती है, डेट के बाद स्लांट नहीं डालते, जनवरी के बाद स्लांट यानी कि महीने के बाद स्लांट डाल देते हैं, महीने के बाद कुछ भी नहीं लगाना। मसरत कंपनी माकूल मशायरे, उसके बाद है सनती सैकड़ों जजीरों मुश्तमिल मेहनती हुनरमंद मशीनरी अद्वियात बकसरत दस्तयाब बाकी मेहारी तेरीर फरमाइए बूदोबाश माशरती जिंदगी, जिंदगी बेशक ना लिखे माशरती खाली इसको ही अंडरलाइन कर लें, एले सरवत यूनिवर्सिटियों मशागिल निसाब तालीम जापानियों मुख्तसर तर्ज जिंदगी राह हमवार उसके बाद वस्सलाम भतीजा, ये आप इसकी इमला करें। इमला के लिए ज़रूरी है कि आप कोई रफ पेज लें और उस पर याद करें और उस पर इन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए और आप अच्छा काम कर सकें। इसके बाद आपने अगर कोई इसमें से कोई मुश्किल है कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं।